मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 4 वर्ष नहीं हुए कि अच्छे दिन का ताना मारने लगे हैं कुछ लोग। जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन, इंदिरा गांधी 15 वर्ष 91 दिन, राजीव गांधी 5 वर्ष 32 दिन, मनमोहन सिंह 10 वर्ष 4 दिन, कुल मिलाकर 47 वर्ष 48 दिन में अच्छे दिन ढूंढ नहीं सके लोग, और 4 वर्ष में ही अच्छे दिन चाहिए। ये कैसा न्याय है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति है दोस्तों। फल खाना है तो पेड़ बड़ा होने दो। मोदी जी की विदेश दौरों का पता है तो इन उपलब्धियों के बारे में भी पता होना चाहिए। मोदी जी ने सऊदी अरब को ऑन टाइम डिलीवरी प्रीमियम चार्जेस ऑन क्रूड ऑयल के लिए मना लिया है। जापान के साथ समझौता हुआ, वो भारत में 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और बुलेट ट्रेन चलाने में भी मदद करेंगे। वियतनाम के साथ रिश्ते में सुधार हुए हैं और अब भारत को ऑयल देने और ऑयल रिफाइनरी में भारत के लिए मदद करेगा। ईरान अब डॉलर की जगह रुपए में ऑयल देने को राजी हो गया है, इससे काफी बचत होगी दोस्तों। मोदी जी 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं और वहां दोस्ती के रिश्ते बनाए। अब वहां से यूरेनियम मिलेगा जिससे बिजली बनाने के लिए काफी मदद मिलेगी। इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट एंड अराउंड इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड बनाना शुरू कर दिया है ताकि हमारी आर्मी को जाने में दिक्कत ना हो। पिछली सरकार इसे बनाने में डरती थी। इंडिया यमन से 4000 से भी अधिक इंडियंस को लाने में सफल रही है। ये सब मोदी जी और सऊदी अरब किंग की दोस्ती की वजह से ही संभव हो पाया है। इंडिया की एयरफोर्स की ताकत कमजोर हो गई थी, इसके लिए आते ही फ्रांस से 36 रफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए डील की है। ये डील 7 साल से अटकी हुई थी। कनाडा अब भारतीयों को ऑन अराइवल वीजा देगा। अब तक हम अमेरिका और रूस से ही न्यूक्लियर रिएक्टर खरीद सकते थे, मगर अब फ्रांस भारतीय कंपनी के साथ यही बनाएगी। दोस्तों, अगर एक खुशहाल और खूबसूरत भारत देखना चाहते हैं तो मेरी भारतवासियों से विनम्र विनती है, अगर अच्छे दिन चाहिए तो धैर्य रखें। आपने प्रधानमंत्री चुना है, कोई जादूगर नहीं।